Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी दोस्तों का MTC ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने टाइप्स है और उसको तैयार करने के लिए इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं। अर्थात तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम कैश फ्लो का अर्थ पढ़ेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो का अर्थ है कैश का आना या जाना, इनफ्लो होना कैश का या कैश का आउटफ्लो होना। जैसे पानी आ रहा है या जा रहा है तो वो फ्लो ही है एक तरह का, चाहे वो आ रहा है या जा रहा है। तो कैसे है हमारे पास आ भी रहा है या अगर वो जा रहा है, या इसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर या इनकम की डिस्कस कर सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक तरह का स्टेटमेंट है जो कि शो करता है इनफ्लो और आउटफ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश का कैश और कैश के जो समतुल्य होते हैं आइटम्स हैं उनका इनफ्लो और आउटफ्लो का जो स्टेटमेंट है वो शो करता है एक निश्चित टाइम पीरियड में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd अप्लाई होता है, रिवाइज्ड है जो कि। तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शामिल करते हैं और इसमें तीन तरह की एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश क्या होता है, कैश कंप्राइज कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है। कैश का अर्थ है कि जो हमारे पास कैश है या जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक में वो हमारा कैश ही होगा। कैश इक्विवेलेंट क्या हो गए, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जनरली दीज इन्वेस्टमेंट हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ। अर्थात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी आइटम्स होती है उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 3 मंथ होता है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कैश इक्विवेलेंट के, जैसे कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये हमारा कैश इक्विवेलेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, मनी मार्केट फंड है, या इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक, जो कि हमने रिडम करने 3 मंथ के प्रोवाइडिंग दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द कंपनी। अर्थात उनके कोई भी फेलियर होने की कोई रिस्क नहीं होती। तो इसके अलावा सम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडरेशन मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है, कैश डिपॉजिट इन टू बैंक में जो जमा कराते हैं, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक में जो विदड्रॉ करते हैं, सेल ऑफ कैश इक्विवेलेंट जैसे सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ कॉमर्शियल पेपर। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है वो मूवमेंट होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम की। इसके अलावा परचेज ऑफ कैश जो इक्विवेलेंट सिक्योरिटी अगर उसको परचेज करते हैं हम, जैसे परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल, इसमें भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रांजेक्शन होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम जब है तो उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का यूज करते हैं, इसमें डिफरेंस का यूज नहीं किया जाता। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है उसका यूज किया जाता है। तो अगर हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3 एक्टिविटी होगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनसे अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1st नंबर पे हमें, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2nd नंबर पे और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें 3rd नंबर पे ये प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ए बी सी ये 3 एक्टिविटी रहेगी। इन सभी एक्टिविटी को एडलेस कर दिया जाएगा जो इनका आंसर आएगा, ठीक।
अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आता है तो हमारा जो आंसर होगा वो नेट इंक्रीज होगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर ये हमारा जो आंसर नेगेटिव में आता है तो ये होगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। इसमें ऐड कर दिया जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है बिगनिंग वाला वो ऐड कर दिया जाएगा। जैसे बिगनिंग में अगर हमारे पास कैश दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी दे रखी है, तो उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर वाला वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कैश है 3,000, ये है बैंक 4,000, ये हमारे पास 5,000, तो इन सब को जोड़ के 5, 4, 9, 3, 12 रुपये जो इस आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, जो कि हमारा ऊपर वाला आया था। अब ये जो आंसर है और ये वाला जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, इन सब को जोड़ेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एंड वाले के, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन की भी चेंज की कर सकते हैं। इसके अलावा कैश फ्लो जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटी के द्वारा तैयार करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइजेज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो एक मेन रिवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस की। इट आल्सो इंक्लूड ऑल दीज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इंक्लूड इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसमें वो सारी एक्टिविटी शामिल नहीं की जाती जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तैयार की करते हैं। तो हम सबसे पहले जो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको तैयार करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट नंबर पे चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मतलब इसमें जो नेट प्रॉफिट है बिफोर हमें टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए, और इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट की जाएगी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडिट किए जाएंगे। तो यहाँ तक अगर हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इसके लिए हमें जो भी 2 साल का जो प्रॉफिट है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उनका कंपेयर करेंगे। जो मान लो कि 2010 में प्रॉफिट था और 2011 में प्रॉफिट 5 लाख और 7 लाख, तो अंतर इन दोनों के बीच जो 5 लाख और 7 लाख दोनों, ना तो इस वैल्यू को लेंगे ना इस वैल्यू को, इनके दोनों के बीच के अंतर को जो कि 2 लाख है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके अंदर प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे। इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो इंटरम डिविडेंड हमने पेड किया था वो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर एनी प्रॉफिट ट्रांसफर किया रिजर्व वो ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर वो भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा प्रेफरेंस डिविडेंड अगर पेड किया है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 लाख के अंदर। इसके अलावा इसमें से जो लेस किए जाएंगे वो रिफंडेबल ऑफ टैक्स क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू इफ एनी क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व ट्रांसफर बैक टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। तो एक बार इनका दोबारा रिपीटिंग कर देता हूँ मैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटिंग करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो सबसे पहले इन दोनों प्रॉफिट के बीच अंतर देखेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, जो अंतर आया वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अंदर प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर का ऐड हो जाएगा, इंटरम डिविडेंड ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ दे रखा है तो वो भी ऐड हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो वो भी ऐड हो जाएगा। जो लेस होंगे वो आइटम होंगे रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व ट्रांसफर बैक टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और इसके अलावा जो हमारा जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन, अगर क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो वो ऐड कर दिया जाएगा। प्रिमिलरी एक्सपेंस अगर कुछ दे रखा है, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर से, शेयर इशू एक्सपेंस है, रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है, तो ये सारे एक्सपेंस ये भी ऐड कर दिए जाएंगे। गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क अमोटाइज हुए या रिटर्न ऑफ हुए हैं तो इनको ऐड कर दिया जाएगा। मतलब गुडविल हो गए या हमारी जो इंटेंजिबल एसेट्स है जो भी अमोटाइज या रिटर्न ऑफ हुई है तो उनको ऐड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर इंटरेस्ट पेड किया है तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है वो लेस कर दिया जाएगा, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। जो लेस होने वाला आइटम है वो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये सारे हम लेस कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनको ऐड लेस करने के बाद जो आएगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर ऐड किया जाएगा हमारा डिक्रीज इन कैश करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, मीन्स अगर एसेट्स घट कम हो रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको ऐड किया जाएगा, अगर एसेट बढ़ रही है लाइबिलिटी घट रही है तो उसको लेस किया जाएगा। अर्थात जो लॉस होगा जिस चीज़ से तो वो ऐड कर दिया जाएगा, जो प्रॉफिट होगा उसको लेस कर दिया जाएगा। ये जो ऐड लेस करने के बाद इनका जो आंसर आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के अंदर ऐड या लेस कर दिया जाएगा, अगर प्लस में आए तो ऐड हो जाएगा, माइनस में जो आंसर आया तो वो लेस हो जाएगा। ये सारे करने के बाद जो आएगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा हमारा, उसमें से इनकम टैक्स पेड है तो वो क्या हो जाएगा हमारा लेस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो आएगा वो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, पेड और मेड दे रखा है, इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्री में प्रपोज डिविडेंड पेड या मेड के बारे में कुछ कह रखा है, तो प्रपोज डिविडेंड का जो बैलेंस है वो सबसे पहले बैलेंस है यहाँ पे शो कर देंगे, बाय बैलेंस और टू बैलेंस। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड पेड है तो वो इधर आ जाएगा, अगर प्रपोज डिविडेंड मेड है तो वो इधर वाली साइड आ जाएगा। तो इस साइड का जो बैलेंस आएगा वो मेड होगा और इस साइड का अगर बैलेंस आता है तो वो पेड हो जाएगा। इस तरह हम पेड मेड प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाने के लिए भी सेम ही ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। इसके अलावा टैक्स पेड यहाँ पे आ जाता है, टैक्स मेड यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेड दे रखा है तो हम पेड कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर पेड दे रखा है तो हम मेड कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बेस पे। तो ये मेड और ये पेड का ही क्वेश्चन में यूज किया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का कोई यूज नहीं किया जाएगा। तो आज की हमारी क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल सम करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के।